हाय गाइस, मैं आप लोग का प्यार रमेश राजभर। मैंने लॉकडाउन के कारण कुछ दिनों से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पाया। देन मैंने इन दिनों अपने घर पे सेफ और अपने को बचाए रखा और आप लोगों का प्यार से मैंने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और मैंने लामडिंग के और बहुत सारे आसाम के अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल प्लेसेस को मैंने दिखाने का कोशिश किया इस वीडियो में। और हमारा वीडियो पहला स्टार्ट होते हुए लामडिंग की तरफ से। लामडिंग का काफ़ी खूबसूरती प्लेसेस को मैंने इन वीडियो में दिखाया। आप लोगों का प्यार सपोर्ट से मैंने लामडिंग के अच्छे अच्छे जगह को मैंने दर्शाया है इस वीडियो में। लामडिंग की खूबसूरती को आप लोग देख ही नहीं सकते हो। सच में लामडिंग की काफ़ी खूबसूरती। गाइस, जब लामडिंग में आप लोग विजिट करोगे तो यहाँ का रेलवे स्टेशन, और आप लोगों का ये पता ही होगा कि असम में लामडिंग में ही बहुत धूमधाम से बहुत अच्छा से शीतला पूजा मनाया जाता है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में फेमस यह शीतला पूजा जो लामडिंग में ही मनाया जाता है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से बहुत इस दुर्गा शीतला पूजा को देखने के लिए आते हैं। और ये लामडिंग का राम ठाकुर मंदिर, जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे व्यू के साथ। और गाइस, लामडिंग जंक्शन को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जहाँ जाना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट के कोई भी कोने पर, कहीं भी इंडिया या कहीं भी आप लोग यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे अवेलेबल ट्रेन होती है। हमारा यहाँ सभी ट्रेनें, सभी चारों दिशाओं में जाने वाली ट्रेन यहीं मौजूद होती है, अवेलेबल होती है। आप लोग लामडिंग जंक्शन के बारे में पता ही होगा आप लोगों को। और लामडिंग का ये काफ़ी खूबसूरती प्यारा सा नज़ारा व्यू के साथ, लामडिंग को जोड़ने वाला हरियाली और लामडिंग को खूबसूरती बनाने वाला ये ग्रीन व्यू काफ़ी खूबसूरत। यहाँ की गाँवें, प्यारा सा गांव लामडिंग में गाइस, जब आप लोग देखोगे यहाँ की प्यारी प्यारी नदियाँ, लामडिंग के चारों तरफ घूम के आने वाली ये नदी, प्यारा सा नदी व्यू के साथ। और यहाँ के फार्मर और फिशिंग के लिए यहाँ पे पिसारी, जिसको बोल सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लामडिंग के गांव में बनी हुई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत। गाइस, आप लोग भी इस प्यारा सा लामडिंग के व्यू को, ब्यूटीफुल प्लेसेस को आप लोग विजिट कीजिए। और हमारा पहला जर्नी लामडिंग से सिलचर की ओर स्टार्ट होते हुए, गाइस लामडिंग में कुछ दिन पहले गाड़ी अवेलेबल नहीं होने के कारण लोग छत के ऊपर जाना स्टार्ट कर दिए थे। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में लोग कैसे बैठ के प्यारे से इस जर्नी को स्टार्ट करते हुए जा रहे हैं लामडिंग की तरफ से। और हमारा ये जर्नी स्टार्ट होते हुए सिलचर की ओर जा चुकी इस प्यारा प्यारा व्यू के साथ। आप लोग गाइस, माँ कसम, ये व्यू आप लोग कभी रियल में देख नहीं सकते हो। आप लोग जो आए हो वो तो देख ही सकते हैं, जो बाहर वाले हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं सिलचर की इस प्यारी सी व्यू, इस प्यारी सी एरिया और प्यारा प्यारा व्यू आप लोग देख सकते हो। आप लोग जब आओगे यहाँ पे एक सुकून, प्यारा सा सुकून मिलता है। आप लोग इस व्यू को अंदाज़ा लगा ही सकते हो। और गाइस, हमारा फाइनली जर्नी एंड होते हुए यहाँ पे हम सिलचर में फाइनली आ चुके, इस एंट्री करते हुए स्टेशन में। सिलचर का स्टेशन आप लोग देख ही सकते हो, काफ़ी खूबसूरत प्यारा सा ये व्यू के साथ, बहुत अच्छा और बड़ा भी है। और हमारा ये फाइनली स्टार्ट होते हुए जर्नी सिलचर की इस प्यारी सी शहर की तरफ, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। सिलचर का प्यारा सा व्यू को देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो इस वीडियो को कि सिलचर में वाकई में है क्या। सिलचर का प्यारा सा ये वाटरफॉल, इन
वाटरफॉल को जब मैं देखा, मेरा दिल कांप गया। इन प्यारी सी वाटरफॉल को मैंने अपने लाइफ में कभी देखा नहीं। ये सिलचर का वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत प्यारा सा व्यू के साथ। सिलचर में जब पहली बार आप लोग आओगे तो माँ कसम, सिलचर के इस भूमि प्यारी सी इस व्यू को आप लोग घूम के ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिलचर एक बड़ा असम के सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट सिटी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ के डिजिटल और बड़े शहर। गाइस, सिलचर का ये यूनिवर्सिटी काफ़ी खूबसूरत और पॉपुलर, जो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए। सिलचर की काफ़ी खूबसूरत को मैं बखान नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे फेमस चीज़ है जो हम लोग घूम के भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि मैंने वीडियो कैसे लॉकडाउन में जाके बनाया, बट मैंने वीडियो जाके बनाया नहीं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने इन वीडियो और फुटेज को दिया, ताकि मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए इस वीडियो को बना सकूं। आप लोगों को काफ़ी प्यार मिला, और आप लोग रमेश भी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोगों का प्यार, लव यू।